हे एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग में तीन हमारे जो मेथड्स हैं जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं। इससे पहले हमने टीचर सेंटर्ड मेथड में लेक्चर मेथड को कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी, आपको समझ आया होगा कंसेप्ट। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हम जो रिमेनिंग हमारे थ्री मेथड्स बचे थे टीचर सेंटर्ड मेथड्स में, वो आज कवर करेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही UGC नेट पेपर वन से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे लेटेस्ट वीडियोस के। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से हम कंटेंट लेकर आते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम थ्री मेथड्स कवर करेंगे। पहला है टीम टीचिंग मेथड, दूसरा है TV और वीडियो प्रेजेंटेशन, थर्ड है हमारा डायलॉजिक एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम टीचिंग मेथड क्या होता है। तो टीम टीचिंग मेथड एक इनोवेटिव अप्रोच है, एक नई अप्रोच है टीचिंग में, जिसमें लार्ज ग्रुप्स होते हैं, लार्ज ग्रुप्स को टीच किया जाता है, बड़े बड़े ग्रुप्स को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसमें 2 or more टीचर्स आर इन्वॉल्व, 2 या 2 से अधिक जो टीचर्स हैं मिलकर लार्ज ग्रुप्स को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई हमें क्या पढ़ाना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब देखते हैं कि हाँ जो हमने पढ़ाया क्या वो लर्नर को समझ में आया, इवेल्युएटिंग करते हैं, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली टीम टीचिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं लार्ज ग्रुप्स को, ठीक। अब टीम टीचिंग मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ फायदे हैं। पहला है हमारा शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स, यानी कि टीम टीचिंग मेथड में बेस्ट फैकल्टी जो है शेयर की जाती है, मतलब बहुत, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि लार्ज ग्रुप्स को टीच किया जाता है, तो लार्ज ग्रुप्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो जो है बेस्ट फैकल्टी वो एक साथ शेयर करते हैं। दूसरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, यानी कि यहाँ पर जो है अच्छे से यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है मल्टीपल जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनका और डिवाइसेस हैं उनका, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, यहाँ पे जो है टीचिंग क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस क्या हैं टीचिंग मेथड की। अब जैसे कि जानते हैं कोई भी मेथड्स हैं उसकी एडवांटेजेस भी होंगी और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या हैं, पहला, फाइंडिंग टीचर्स विद स्पेशल कॉम्पिटेंसीज इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो जैसा कि एडवांटेज में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि बेस्ट फैकल्टी जो है वो शेयर की जाती है, तो बेस्ट फैकल्टी को ढूंढना भी तो एक डिफिकल्ट टास्क है ना, कि हम जो ये लार्ज ग्रुप्स को टीच करेगा, क्या हर टीचर थोड़ी ना लार्ज ग्रुप्स को एक साथ टीच कर पाएगी, मतलब इसके लिए टीचर्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए, तो उसको फाइंड करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, यहाँ पे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टीम टीचिंग, तो टीम टीचिंग में तो ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगी ना, तो इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। तीसरी इसकी जो लिमिटेशन है, नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, कि यहाँ पर ये जो टीम टीचिंग मेथड है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। चौथा, रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग,
टीम टीचिंग जब आप करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है ना। और प्लानिंग में बहुत सारा टाइम चाहिए रिक्वायर्ड होता है, शेड्यूलिंग करनी होती है कि हाँ भाई हमें कब किस टाइम पर जो है ये करना है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड हमारा मेथड आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अब टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन नाम से आपको क्या लग रहा है कि हाँ वीडियो प्रेजेंट करके टीच किया जाता होगा, ये लग रहा है ना नाम से। तो टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ एन इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इन साइड द क्लास रूम। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज फॉलोड बाय अ डिस्कशन और टास्क। यानी कि टेलीविज़न और वीडियो प्रेजेंटेशन एक काफ़ी इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन है, ऑडियो प्रेजेंटेशन है। जैसे कि आप इस टाइम भी ये क्या चल रहा है, एक तरीके से वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ ना मैं, तो ये इसी तरीके से है जिसमें आपको ऑडियो प्रेजेंटेशन कर रही हूँ और साथ में आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। एंड इट कैन वर्चुअली ब्रिंग द होल वर्ल्ड इन साइड द क्लास रूम। यहाँ पर अब मेरी जो वीडियो है ये कोई भी देख सकता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। यूट्यूब जो है होल वर्ल्ड में चलता है और कोई भी कभी भी कैसे भी आके मेरे चैनल पर ये वीडियो वॉच कर सकता है। तो एक तरीके से होल वर्ल्ड को मैंने एक क्लास रूम में ला दिया है इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से। स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ फॉलोड बाय अ डिस्कशन और टास्क। मतलब मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ, बेसिकली हम पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। अब टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या हैं। पहला, मैनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन। अब वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा हम काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ एक्सपर्ट्स को अपने क्लासरूम में जो है ला सकते हैं, है ना। वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे जूम ऐप आती है उसमें हम क्या करते हैं, टीचर होता है और मतलब काफ़ी सारे लोग जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी जुड़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ भी जुड़ सकती हैं। तो बेसिकली ये किसके द्वारा पॉसिबल है, वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। स्पेसिफिकली यूज़ फॉर अडल्ट लर्नर्स, तो ये जो है यूज़फुल किसके लिए है, अडल्ट लर्नर्स के लिए है। वीडियो प्रेजेंटेशन जो हमारा टीचिंग मेथड है ये अडल्ट लर्नर्स के लिए ही यूज़फुल है ज़्यादातर स्पेसिफिकली। थर्ड जो इसकी एडवांटेज है, इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज सच एज स्लाइड्स मॉडल्स स्पेसिमेंस एक्सेट्रा। यानी कि जो है इलस्ट्रेटेड लेक्चर्स जो हैं हमारे वो अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के द्वारा भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अब मैं भी ये क्या है, ये एक तरीके से मैं आपको स्लाइड शो कर रही हूँ ना, बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, ये क्या है, ये मैंने पहले स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, तो आपको स्लाइड्स के द्वारा ही वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपके सामने, ठीक है, मॉडल्स स्पेसिमेंस एक्सेट्रा। तो इसके द्वारा ये किसके द्वारा पॉसिबल है, वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट है, इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज जहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं, रिमोट एरियाज होते हैं ना जैसे दूर दूर के इलाके जहाँ पे सिर्फ बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई लर्नर है, वहाँ पे अगर कोई लर्नर है और अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो उसके लिए जो है पढ़ाई करना जो है उसके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, किसके थ्रू, वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो रिमोट एरियाज दूर दूर के इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे कोचिंग पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर उनके पास स्मार्टफोन जैसी सुविधा उपलब्ध है तो वो वीडियो प्रेजेंटेशन का फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो प्रेजेंटेशन उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उन लर्नर्स के लिए जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ एडवांटेज, ये हमारी लास्ट एडवांटेज है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन की। स्पेसिफिकली यूज फॉर सब्जेक्ट सच एज जियोग्राफी एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन
कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, जैसे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में बेसिकली जब टीचर पढ़ाता है तो वो अगर पूरा वीडियो की तरह उस चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। जियोग्राफी में ज़्यादातर मैप्स वगैरह की स्टडी की जाती है आई थिंक, तो मैंने पढ़ा नहीं है इतना, 10th तक करा था जियोग्राफी। जियोग्राफी में मैप्स की स्टडी ज़्यादा की जाती है, एरियाज वगैरह। तो उनको जब हम वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं तो उनके लिए, उन सब्जेक्ट्स के लिए यानी कि ये यूज़फुल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस, नंबर वन लिमिटेशन है लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पर मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ, फिर मैं अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर, फिर आप देखोगे, तो एक कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करोगे और मैं आपका रिप्लाई करूँगी तो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हाँ टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। लेकिन अभी क्या है, मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप नहीं कर पाओगे, तो ये क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है टू वे कम्युनिकेशन की। नंबर टू पॉइंट, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल्स फॉर द पीरियड ऑफ द टेलीकास्ट, कि एडजस्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शेड्यूल क्या रखें, कि हम कब टेलीकास्ट करेंगे इस वीडियो को, है ना, तो ये भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मेथड की, जो कि है डायलॉजिक टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे डायलॉजिक टीचिंग क्या है। तो डायलॉजिक टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय रोबिन अलेक्जेंडर इन अर्ली 2000s। तो अर्ली 2000s की में ये डेवलप की गई थी रोबिन अलेक्जेंडर के द्वारा डायलॉजिक टीचिंग। इट हार्नेसेस द पावर ऑफ टॉक टू स्टाइमुलेट एंड एक्सटेंड स्टूडेंट थिंकिंग। यानी कि ये किस बात पे जोर दिया जाता है यहाँ पर, पावर ऑफ टॉक। ठीक है, पावर ऑफ टॉक यानी कि एक तरीके से बोलने की, बात करने की जो शक्ति है ना, इसकी हिंदी ये बनेगी। तो ये इस बात पे जोर दिया जाता है इस पे, और यहाँ पर ना स्टूडेंट की थिंकिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड जो है किया जाता है, बढ़ाया जाता है, स्टूडेंट की जो सोच है उनको बढ़ाया जाता है, और उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है एडवांस देयर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उनको एक तरीके से एडवांस लेवल पर पहुँचाया जाता है। बेसिकली डायलॉजिक टीचिंग का मतलब क्या है कि डायलॉजिक यानी कि बोलना, पावर ऑफ टॉक। ठीक है, इट हेल्प्स द टीचर मोर प्रिसाइजली टू डायग्नोज स्टूडेंट्स नीड, फ्रेम देयर लर्निंग टास्क एंड असेस देयर प्रोग्रेस। तो बेसिकली डायलॉजिक टीचिंग का मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी। हाँ जी, तो डायलॉजिक टीचिंग में क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे। दिस एक्सप्रेशन मीन्स टू यूज टॉक मोर इफेक्टिवली फॉर कैरिंग आर टीचिंग एंड लर्निंग। कि ये जो एक्सप्रेशन है डायलॉजिक टीचिंग, इसका मतलब है टॉक मोर, यानी कि बात ज़्यादा करो, ज़्यादा बात करो, इफेक्टिवली करो। ठीक है, जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, जब भी आप लर्निंग कर रहे हो, अगर आप टीचर हो तो आप टीचिंग कर रहे हो, लर्नर हो तो लर्निंग कर रहे हो, तो उस दौरान आपको जो है टॉक मोर यानी कि ज़्यादा बात करनी है। इट इन्वॉल्व्स ongoing talk between टीचर एंड लर्नर। यहाँ पे बात की जा रही है कि डायलॉजिक टीचिंग में ना बातचीत होती है किसके बीच, टीचर्स और लर्नर्स के बीच, एंड नॉट जस्ट अ टीचर लेड अप्रोच। ये सिर्फ टीचर लीड अप्रोच नहीं है टू टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ये वो नहीं है। इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। ये जो है ना, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी ज्यादा देती है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू क्लासरूम डायलॉग इन ऑर्डर टू बिल्ड टूगेदर नॉलेज। मतलब बातचीत में क्या होता है, डायलॉग रखना है, अपनी बातचीत रखना, अपनी बात रखना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्टूडेंट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती, मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी बात रख सके, वो अपने विचार रख सके थ्रू डायलॉग, ताकि इन ऑर्डर टू बिल्ड टूगेदर नॉलेज, जिससे नॉलेज बिल्ड हो सके
एंड एंटर इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एलैबोरेशन. यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है यहाँ पर बातचीत करने की, वो अपने पॉइंट्स रख सकते हैं यहाँ पर और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं एक साथ. तो दे कैन एक्सप्लोर द लिमिट्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग. वो जो है अपनी जो अंडरस्टैंडिंग की जो उनकी जो समझ कर समझने की जो सीमा है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको भी खोज सकते हैं थ्रू डायलॉग्स एज अ न्यू टूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. मतलब डायलॉग जो है एक नया टूल आया है जिससे कि हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है. क्योंकि बोलते 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 कभी कभी हमें अपनी बातों का जवाब खुद ही मिल जाता है ना. तो बोलना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, पावर ऑफ टॉक, कि पावर ऑफ टॉक में भी काफ़ी पावर है जिससे हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी लिमिट्स पता चलती है. तो टीचर्स कैन एक्सप्लेन आइडिया, क्लैरिफाई पॉइंट, रीफॉर्मुलेट एंड हेल्प स्टूडेंट ग्रैस न्यू वे ऑफ लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक देम एंटर इन अ डायलॉजिक वे ऑफ लर्निंग. तो बेसिकली डायलॉजिक वे ऑफ डायलॉजिक टीचिंग में हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट, टीचर और लर्नर जो हैं वो बातचीत करते हैं और बातचीत करके अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग की जो उनकी लिमिट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायलॉजिक टीचिंग हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टीचिंग की. ऑलराइट, तो डायरेक्ट टीचिंग इज द यूज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग टेक्निक यूजुअली टू टीच अ स्पेसिफिक स्किल. तो नाम से क्या पता चल रहा है, डायरेक्ट टीचिंग कर रहे हो आप, डायरेक्टली फेस टू फेस एक तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये. और यूजुअली टू टीच अ स्पेसिफिक स्किल, जब भी आप कोई स्पेसिफिक स्किल सिखा रहे हो किसी भी लर्नर को तो ये उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टीचिंग. और इन टीचर डायरेक्टेड मेथड, टीचर डायरेक्टेड मेथड में टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लासरूम, टीचर होती है क्लासरूम में, सबके आगे खड़ी होती है, स्टैंड होती है फ्रंट ऑफ द क्लासरूम एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बेसिकली, है ना, होता है ना ऐसा. तो इट इज मोस्टली यूज फॉर द लैंग्वेज वेयर इज नो नीड टू मेक यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज. तो ये जो है इट इज मोस्टली यूज फॉर द लैंग्वेजेस वेयर इज नो नीड टू मेक यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज. तो बेसिकली यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं इसमें जहाँ पर नेटिव लैंग्वेज का यूज करना जरूरी नहीं है. नेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो वहाँ की बेसिकली, अब जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी है. तो यहाँ पे बोला गया है कि मोस्टली यूज़ किया जाता है लैंग्वेजेस के लिए, लेकिन नेटिव लैंग्वेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती. और यहाँ पर जो टीचर है वो फोकस्ड किस पे करती है, एक्सप्लेनेशंस पे करती है, रिव्यूज पे करती है और फीडबैक पे करती है. तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्ट टीचिंग था. बेसिकली आप इसको एक एग्जांपल से ले लो कि आप जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ टीचर आती थी, टीचर आपको एक्सप्लेन करती थी सारी चीज़ें, या कॉलेज में भी ऐसे ही होता था, लेक्चरर आते हैं एक्सप्लेन करके डायरेक्ट टीचिंग करके चले जाते हैं. तो इस टाइप से ही है ये भी. अब एक क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ डायलॉजिक टीचिंग, कि इसमें से किसको आप डायलॉजिक टीचिंग के प्रिंसिपल्स बोलोगे. तो पहला है कलेक्टिव, दूसरा है रेसिप्रोकल, तीसरा सपोर्टिव, चौथा पर्पसफुल. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा, ऑप्शन इज डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कलेक्टिव भी, रेसिप्रोकल भी, सपोर्टिव भी, पर्पसफुल भी. अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है कि कलेक्टिव मींस बीइंग टुगेदर. तो डायलॉजिक टीचिंग में क्या होता है, हम एक साथ होते हैं सारे, टीचर लर्नर बीइंग टुगेदर होता है. रेसिप्रोकल मींस लिसनिंग टू ईच अदर, डायलॉजिक टीचिंग में हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं. सपोर्टिव मींस फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, यहाँ पे आप फ्रीली अपने आइडियाज रख सकते हो. और क्यूमुलेटिव का मतलब चेनिंग ऑफ आइडियाज, पर्पसफुल मींस बीइंग ऑब्जेक्टिव. क्यूमुलेटिव का मतलब चेनिंग ऑफ आइडियाज, आइडियाज की एक तरीके से चेन बनती है. जैसे किसी ने कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, फिर हमने उनके जो आइडियाज हैं उसकी एक चेन बनाई, तो उसको हम क्यूमुलेटिव बोलेंगे.
पर्पसफुल का मीन्स होता है बींग ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली ये चारों के चारों डायलॉजिक टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं, याद रखने हैं हमें. कलेक्टिव, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना. कलेक्टिव मीन्स बींग टुगेदर, रेसिप्रोकल मीन्स लिसनिंग टू ईच अदर, सपोर्टिव मीन्स फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, क्यूमुलेटिव मीन्स चेनिंग ऑफ आइडियाज, और पर्पसफुल मीन्स बींग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते मेरी वीडियोज़ से. प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू सो मच.